और ये कपूर है, ये देख रहे हैं आप, कपूर है। तो इससे क्या, ये बहुत शरीर के लिए बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एकदम हार्म फुल रहता है ये, हेल्दी हेल्दी हेल्दी। तो खाने के बाद इसका एक अलग ही मजा आता है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या बढ़िया एकदम कलर आ गया, देख रहे हो कीमा कलेजी सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल गया है, भुना जा रहा है। तो भाई हम लोग जयपुर में हैं और आज फिर से पहुँचे हैं हाउस ऑफ दावत में हमारे आनंद मेवाड़ा जी के साथ। अरे सर, और सर, क्या आप बात? आपकी जो मटन वाली रेसिपी है ना, है इतना मजा है कि आज फिर से हम लोग पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या खिलाने वाले? आज आपको कीमा कलेजी गुर्दा कपूर या सब एक अलग अरे चीज बना के खिलाएंगे, गजब गजब मजा आ जाएगा आपको खा के, एक लगेगा। अच्छा सिर्फ खिलाएंगे कि सिखाएंगे भी? हैं बनाना भी सिखाएंगे? बिल्कुल 100% सब सिखाएंगे, बनाना खिलाना पिलाना सब करेंगे। क्या बात, नहीं नहीं सर पीने का काम हमारा नहीं, हम लोग सिर्फ खाते हैं। ठीक है, तो आज अभी जयपुर में पहुंचे हैं हाउस ऑफ दावत और एड्रेस वेड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने और भी पहले वीडियोस बनाई है जी, और बड़ा बढ़िया मटन बनाते हैं। आपके चर्चे ये है ना कि भाई जयपुर जा रहे हो तो हाउस ऑफ दावत में खाए बिना नहीं आना, नहीं तो जयपुर जाने का ना वो जो पूरा ट्रिप है वो सफल नहीं होगा आपका। ठीक है तो चलिए अभी चलते हैं सर किचन में, रेडी है सर माल रेडी, चले बिल्कुल। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, और चलिए आपको बढ़िया सा कीमा कलेजी कपूरे गुर्दा सब दिखाते हैं। मीटिंग आइए शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें ली हैं सर आपने? सर ये देखो, ये तो कीमा है, ठीक है, ये कलेजी है, ये गुर्दा है, और ये कपूर है, ये देख रहे हैं आप कपूर है। इसका एक खाने के साथ टेस्ट ही अलग आता है। अच्छा जी, आप खाएंगे ना तो इससे क्या, ये बहुत शरीर के लिए बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एकदम हार्म फुल रहता है ये, हेल्दी हेल्दी हेल्दी। तो खाने के बाद इसका एक अलग ही मजा आता है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कीमा कलेजी गुर्दा कपूरिया सब मिक्स करके हम लोग ये सब ये बना रहे हैं। ये आप जो देख रहे हो ना, ये सब चीज़ हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ देखो गाइज, ये जो आप देख रहे हो ये बहुत नई चीज़ है जो आज हम लोग शूट करेंगे। ये कलेजी के साथ गुर्दा है और उसके साथ जो है ना ये है कपूर है। अब कपूर है क्या होता है ना, टेस्टिकल्स होते हैं बकरे के। ठीक है, हमारे भाषा में कपूर, इधर राजस्थान में तो कपूरा ही बोलते हैं उसको। अच्छा, वो क्या बहुत हेल्दी फूल होता है, तो लोग उसको चाव से खाते हैं, उससे क्या हेल्थ एकदम बॉडी में एकदम वो हो जाता है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, ताकत ताकत आ जाती है। क्या तो वो चीज़ होती है। अब ये तेल डालेंगे अपने इसमें, गर्म हो गया, प्याज डाल देते हैं, तेल आ गया एकदम मस्त। तो दोस्तों देखो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया है और अब इसमें गरम मसाले तोड़ तोड़ कर डाले जा रहे हैं। तो इसमें कीमा डालेंगे बस, ये भी कीमा डाला अपन ने, देखो इसको प्याज और तेल के साथ इसको थोड़ा भुनाव लेंगे इसमें। तो ये मशीन वाला कीमा है? नहीं मशीन वाला नहीं है, ये हाथ का कूटा हुआ। मशीन वाला तो हलवा बन जाएगा सर, इसका खाने में टेस्ट आना चाहिए, मुंह में लगे कि हाँ कीमा खा रहे, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। सर अभी अब कीमा कलेजी गुर्दा ये कपूर ये सब डालेंगे, कीमा अपन ने डाल दिया, अब ये देखो ये सब ये डालेंगे। हाँ 2 किलो बना रहे कीमा कलेजी, देखो बस एकदम मस्त हो गए ना, ये देखो एकदम फ्राई हो गए। हाँ एकदम मस्त फ्राई हो गए। अभी इसमें हल्दी डालेंगे बस, नमक सर, अब अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें। वाह रंगत तो बड़ी सही आ गई है अभी। अरे अभी खाओगे आप है? बोलोगे अरे यार क्या नई चीज खाई है, आप खाओगे ना जब आप बोलोगे नई चीज खाई है। अभी हम लोग दही डालते हैं, रंगत पूरी आनी बाकी है। अच्छा मिर्ची अभी तक नहीं डाली हमने यार। हाँ अभी मिर्ची डाले, ऐसी वैसी चीज नहीं बना, आदमी को लगे कि हाँ कुछ बनी है, कुछ खाना है इसको। हाँ। देख के ऐसे लग, अब आप देख के लग रहा है ना कि हाँ यार कुछ लग रहा है कि कुछ चीज बन रही है आज। अब कुछ जब खाओगे ना आप फिर बोलोगे अरे यार। वही कह रहा हूँ कि आज कुछ जवाब है, आज कुछ तो बन रहा है जिसे खा के मजा आ जाएगा है।
अब इसमें पीसी हुई मिर्ची डालेंगे। ये कलर वाली मिर्ची है तीखी? नहीं 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 सर, कलर कलर काम ही नहीं लेते अपन। नहीं नहीं, ये मिर्ची तीखा लाएगी या? हाँ, ये नॉर्मल जो नॉन वेज में डालते ना, साबुत मिर्ची लेके पिसाई हुई वो वाली। ये आपकी जोधपुर वाली है? जोधपुर वाली मिर्ची। अब इसमें धनिया डालेंगे पाउडर। तो भाई देखो यहाँ पे क्या बढ़िया एकदम कलर आ गया, देख रहे हो कीमा कलेजी सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल गया है, भुना जा रहा है और मिर्ची उर्ची भी डाल दी गई है। अभी थोड़ा देर इसको और पकाएंगे और कीमा जो था ना वो जो थोड़ा सॉलिड सॉलिड सा लग रहा था अब बड़ी अच्छी तरह से एकदम घुल गया है इसके अंदर, देख रहे हो। और क्या रोगन, क्या कलर आया है, शानदार दिख रहा है भाई। तो अगर आपके मुँह में पानी आ गया है जल्दी से वीडियो को अभी लाइक कर दो यार, इतनी देर हो गई, अभी क्या डाल रहे हैं बस। अब ये लास्ट इसका जो मेन पावर है, पावर इसका पावर को डाल रहे हैं इसके अंदर नॉन वेज में, कीमा कलेज में। ये लहसुन जो अपने फूटा ना उसके अंदर ये दाड़ दाड़ दाड़, अब इसको डाल दें। इसको हम देसी स्टाइल में काजू बोलते हैं, काजू काजू। हाँ तो अभी ये और कितना पकेगा? पक गया। पाँच पाँच मिनट का खेल है, 5 मिनट का खेल है बस। फिर खाओ, फिर खा के बताओ। हाँ चलो जी, ये आ गया हमारा कीमा कलेजी गुर्दा कपूरे, आहा हा हा, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जी आ गई है, देखो हमारी प्लेट लग गई है। रोटी ने तो तेल पी लिया साहब, कोई बात नहीं जी। ये देखो तो बहुत ही बढ़िया आपको कलेजी दिख रही है, यहाँ पे गुर्दा है, कीमा है, मस्त एकदम सब आइटम वाइटम है। और साथ में प्याज व्याज मिला है, नींबू प्याज। और एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरत है राजस्थान में वो है छाछ। तो भाई आइए ज़रा पास आइए, इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ऐसा करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कलेजी लेते हैं, ये ज़रा सा टेस्ट। मटन की कलेजी है, थोड़ा सा कीमा लगाते हैं इसमें, थोड़ा लहसुन और गर्मा गर्म एकदम अभी ना पका है उधर से और हम लोग बस पहुँच गए खाने। ओहो क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया कीमा का एक बहुत ही बढ़िया अपना फ्लेवर और हल्का प्याज है, प्याज जो ब्राउन हुआ है उससे कैरमलाइज फ्लेवर, नमक मिर्ची सब बराबर, मिर्ची तो है ही नहीं भाई, बड़ा हल्का फुल्का बनाया गया इसको, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और जरा कीमा के साथ ट्राई करते हैं और कुछ खड़े मसाले डाले जाते हैं जैसे काली मिर्ची से था। तो ये देखो, और लहसुन का क्या है ना, ये देखो ये लहसुन, तो लहसुन का बहुत ही क्रेज़ है यहाँ पर राजस्थान में। तो ये थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया अच्छी तरह से ऊपर में, और हमें भी भाई लहसुन बड़ा पसंद है कीमा के साथ, बढ़िया एकदम लटपट आइटम है ये। 200 रुपये में आपको हाफ मिलेगा और 400 में फुल मिलेगा, एकदम लटपट वाली चीज़ है। मसाले एकदम हल्के फुलके और स्वाद अच्छा, ठीक है बहुत बढ़िया। तो मैं इसका भाई मज़ा लेता हूँ, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो थी, होप आपको। अरे देखो देखो, ये तो मैं बताने भूल गया, ये है यहाँ की बड़ी फेमस मिर्च है। और मैं इसका मिर्चों का बताता हूँ असली क्या है, इसमें तीखापन ही नहीं होता है, इसमें सिर्फ स्वाद होता है। तो मैं बता रहा था कि अगली बार जब आप कभी जयपुर आइएगा तो हाउस ऑफ दावत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ की हमने 4 रेसिपीज़ बनाई है, धीरे धीरे आपको मिली गई होंगी या नहीं मिली तो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा होगा। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मैं मज़ा लेता हूँ कलेजी और कीमा का और आपसे मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए जनाब।